हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अब साल में दो बार एडमिशन दे सकेंगे विश्वविद्यालय व कॉलेज, UGC ने दी मान्यता। बता दें कि देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के रेगुलर कोर्सेज में छात्र छात्राओं को साल में दो बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को साल में दो मर्तबा एडमिशन लेने की अनुमति दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष M. जगदीश कुमार ने ये जानकारी दी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से ही ये सुविधा शुरू हो जाएगी। कुमार ने बताया कि ये निर्णय 5 मई को आयोजित UGC की बैठक के दौरान लिया गया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय और कॉलेज हर साल जुलाई अगस्त में रेगुलर कोर्सेज में छात्रों को एडमिशन देते हैं और भारत में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में जुलाई अगस्त से सेशन शुरू होता है और मई जून में समाप्त होता है। ओडिशा के नए CM पर सस्पेंस हुआ खत्म, BJP ने मोहन मांझी के नाम पर लगाई मुहर, दो डिप्टी CM भी होंगे। खबर है कि मोहन चरण मांझी ओडिशा के 16वें मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें मंगलवार को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। मांझी ओडिशा के आदिवासी CM होंगे। इसके अलावा दो डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री भी होंगे। KV सिंहदेव और प्रावती परिदा ओडिशा की भाजपा सरकार में दो डिप्टी CM होंगे। बता दें कि 12 जून को ओडिशा की नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ भाजपा के नेता शामिल होंगे। 53 वर्षीय मोहन मांझी आदिवासी समुदाय से आते हैं। क्योंझर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक चुने गए मांझी एक मजबूत आदिवासी चेहरा हैं और अपनी जनसेवा और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। इस बार क्योंझर विधानसभा सीट से ओडिशा के नामित CM मोहन मांझी ने बीजू जनता दल यानी BJD की मीना मांझी को हरा दिया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, पश्चिम बंगाल की सरकार ने 4% बढ़ा दिया महंगाई भत्ता। खबर है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में 4% की बढ़ोतरी की गई है और इसे लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है जिसमें बताया गया है कि ये आदेश 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर में वृद्धि और वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या 1090 FP2 दिनांक 1/3/2024 के मुताबिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए दैनिक मजदूरी दर 1/5/2024 के स्थान पर 1/4/2024 से लागू होगी। राज्यपाल ने फैसले को मंजूरी दी है। राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, संविधिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों, पंचायत कर्मी समेत नगर निगमों या नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारियों और पेंशनरों या परिवार पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए आई खुशखबरी, UP के स्कूलों में जल्द मिलेंगे फ्री टैबलेट, खाते में इसी हफ्ते आएंगे ड्रेस के पैसे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जल्द ही 51,667 टैबलेट बांटे जाएंगे। योगी सरकार ने खरीद की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर काम में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में ये बातें कही हैं। बैठक में प्राथमिक विद्यालयों के उपयोग के लिए 10,375 टैबलेट और 8,778 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 17,556 टैबलेट खरीदने पर मंजूरी दे दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10,000 रुपए प्रति इकाई की दर से 11,868 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 23,736 टैबलेट खरीदने का काम UP डेस्को या विभाग को करना होगा। बैठक में तय हुआ है कि 3,530 यहां परिषदीय उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप किया जाएगा। 1,515 उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में ICT लैब के प्रोक्योरमेंट एवं स्थापना का काम UPLC या विभाग द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र में होगा खेला, कांग्रेस का दावा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के 40 विधायक संपर्क में।
लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पथल के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि खराब नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के तमाम विधायक टूट सकते हैं। और इसी बीच विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदन विजय वेडेट्टीवार ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये विधायक घर वापसी करना चाहते हैं। वेडेट्टीवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि हवा किस ओर है और इसलिए विधायक भी हवा का रुख भांपते हुए पाला बदलना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि राज्य में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस की सरकार वापस लौटेगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि चुनाव नतीजों के ट्रेंड बताते हैं कि महाविकास अघाड़ी को राज्य की कुल 150 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, वहीं महायुति को 130 सीटों पर ही बढ़त मिल पाई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की उम्मीदें परवान चढ़ गई हैं। यूपी में बिजली कनेक्शन की दरें दोगुनी करने की तैयारी, देना होगा इतना अधिक। बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में नए कनेक्शन पर उपभोक्ता सामग्रियों की दरों को तय करने के लिए संशोधित दरें दाखिल कर दी हैं। इन संशोधित दरों कॉस्ट डेटा बुक में जो प्रस्ताव शामिल किए गए हैं उससे गरीब ग्रामीणों को नया कनेक्शन लेने पर 44% अधिक का भुगतान करना होगा। औद्योगिक कनेक्शन की दरों में 50-100% तक वृद्धि की गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेशन द्वारा 2 दिन पहले आयोग में दाखिल संशोधित प्रस्ताव में उपभोक्ता सामग्री की दरों में भारी वृद्धि का प्रस्ताव है और उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन की सिक्योरिटी धनराशि में 100% से अधिक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इससे पूर्व 2019 में कॉस्ट डेटा बुक जारी की गई थी जो कि अभी लागू है। हेमंत सोरेन को फंसाने के लिए ईडी ने तैयार किए झूठे सबूत, झारखंड हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें रखी। सोरेन को जमानत देने की मांग करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि झामुमो के नेता को ईडी ने झूठा फंसाया है। सिब्बल ने दलील दी कि सोरेन पर रांची के बारगेन क्षेत्र में 8.86 एकड़ के भूखंड पर कब्जा करने का गलत आरोप लगाया गया जिसके लिए सोरेन को हिरासत में लिया गया है। सिब्बल ने जवाब दिया कि जमीन के मालिकों ने तब कोई शिकायत नहीं की थी जब उनकी जमीन कथित तौर पर ली गई। इन लोगों ने न ही अधिकारियों से संपर्क किया। जबरन बेदखली की ये घटना 2009-10 में घटित बताई जा रही है। यहाँ लेकिन रिपोर्ट 2023 में ही तैयार की गई। यदि सोरेन के खिलाफ सभी आरोप सही भी हों तो भी यह जबरन बेदखली का दीवानी केस है, न कि आपराधिक मामला। गरीबों के लिए गुड न्यूज, कम आय वालों को शहर से गांव तक मुफ्त मिलेंगे 100-100 गज के प्लॉट, बस ये शर्त। शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों के लिए गुड न्यूज है, अब सरकार उन्हें मुफ्त में प्लॉट देने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। ग्रामीण इलाके में ये लाभ 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले लोगों को घर मिलेगा और शहर में जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है वह सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सोनीपत में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत ग्रामीणों को प्लॉट की रजिस्ट्री सौंपने के लिए आयोजित प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है और इस दौरान प्रदेश में 11 स्थानों पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के तहत 7,755 लोगों को प्लॉट के कागजात दिए गए। जिला फरीदाबाद और पलवल में करीब 160 लोगों को कागजात सौंपे गए हैं। उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि यहां पर उपस्थित थे। यूपी में बदलेगा पुलिस के कामकाज का तरीका, अब आरोपी को भी देगी अपनी रिपोर्ट की कॉपी। बता दें कि यूपी में आगामी 1 जुलाई से दर्ज होने वाली FIR की विवेचना के दौरान पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति 14 दिनों के अंदर पीड़ित के साथ साथ आरोपी को भी निःशुल्क दी जाएगी। पुलिस की कार्यप्रणाली में ये बदलाव नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने की वजह से होगा। इस संहिता में कई नई प्रक्रियाएं शामिल होंगी। बता दें कि यहाँ यूपी पुलिस सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए 1 जुलाई से होने वाले इन बदलावों के बारे में आम जनता को जागरूक कर रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ये प्रावधान भी किया गया है कि पुलिस अधिकारी 90 दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संचार समेत किसी भी माध्यम से
सूचना देने वाले या फिर पीड़ित व्यक्ति को उसकी प्रगति के बारे में सूचित करेगा। इसमें छोटे अपराधों के लिए जहां शामिल धनराशि 20,000 रुपए से अधिक नहीं है, संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है। गवाहों से साक्ष्य, मोबाइल समेत अन्य ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया जा सकता है। इसके साथ ही आरोपी अदालत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थित हो सकता है। घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में भी जांच, मुकदमा या निर्णय की प्रक्रिया चलाई जा सकेगी। और इसी तरह भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नए अपराधों को भी शामिल करते हुए उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अब संसद में हमारे पास सेना बैठी है, राहुल गांधी बोले, अग्निवीर को विपक्ष में बैठे बैठे ही रद्द करवाएंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। रायबरेली में चुनाव जीतने के बाद आभार जताने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि हम संसद में हमारे पास अब सेना बैठी हुई है। कहा कि भले ही विपक्ष में हम बैठे हैं, लेकिन अग्निवीर को विपक्ष में बैठे बैठे ही रद्द करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमें शक्ति दी है। राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि आप लोगों ने रायबरेली में जो किया है वह राजनीतिक फैसला नहीं है, इसे जिंदगी भर भूलने वाला नहीं हूँ। कहा कि भले ही रायबरेली का सांसद हूँ, लेकिन जो भी रायबरेली में होगा वह अमेठी में भी होगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी है, आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली और अमेठी में आपने और यहाँ की जनता ने मिलकर कांग्रेस को जीत दिलवाई। इस बार कांग्रेस पार्टी रायबरेली में अमेठी में एक होकर लड़ी है। और कहा कि समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूँ, इस चुनाव में यूपी में आपका हर कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ मिलकर एक साथ लड़ा है। यूपी में पुराने वाहनों पर बढ़ेगा ग्रीन टैक्स, 2.5 गुना बढ़ाकर इतने प्रतिशत करने की है तैयारी। बता दें कि कानपुर समेत प्रदेश भर में 15 साल पुराने वाहन स्वामियों को 10 की बजाय 25% ग्रीन टैक्स देना होगा। ग्रीन टैक्स के नाम पर कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। परिवहन अफसरों ने बताया है कि इसी साल अक्टूबर तक ग्रीन टैक्स की बढ़ी हुई राशि प्रभावी हो जाएगी। वहीं डीजल और पेट्रोल चालित नए वाहनों के पंजीयन पर 1-5% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है। किसी वाहन की तय समय सीमा की मियाद पूरी होने पर उसका दोबारा पंजीयन कराना होता है। मान लीजिए कि नए वाहन पर पंजीयन कराते समय 1,00,000 रुपए टैक्स जमा हुआ, इस पर अभी तक 10,000 रुपए ग्रीन टैक्स जमा करना होता है। और नए प्रस्ताव के तहत जब इस वाहन की आयु 15 साल पूरी होगी और दोबारा से पंजीयन होगा तो 10 की बजाय 25,000 रुपए ग्रीन टैक्स के नाम पर जमा कराना होगा। नहीं रुकेगी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट की काउंसलिंग नहीं रुकेगी। वहीं परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बता दें कि देश भर में छात्र इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वहीं इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं। पहले कोर्ट जुलाई में मामले की सुनवाई करने वाला था, हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले सुनवाई करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कई याचिकाओं में नीट के परिणामों को रद्द करके फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कड़े शब्दों में कहा है कि परिणामों पर धांधली के आरोपों के बाद परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठ रहे हैं और इस पर हमें आप जवाब दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। गोरखपुर से हैदराबाद मुंबई जाना होगा आसान, अकाशा एयरलाइंस की बढ़ेगी फ्लाइट। गोरखपुर में अकाशा एयरलाइंस अपनी सेवाओं में अब विस्तार की योजना बना रही है। जुलाई से अकाशा हैदराबाद के साथ ही मुंबई की नई उड़ान शुरू करने जा रही है। बता दें कि फिलहाल अभी इस एयरलाइंस की दिल्ली और बेंगलुरु के लिए सेवाएं चल रही हैं और दो नई सेवाओं के शुरू हो जाने से जहां यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर किराए में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसका सीधा सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा। बता दें कि कंपनी ने दोनों सेवाओं को शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से स्लॉट मांगा है। संभावना यह है कि जुलाई से ये नई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट निदेशक आर के परासर ने बताया है कि अकाशा एयर विस्तार की इच्छुक है। हमारी कोशिश है कि आगामी दिनों में कुछ और शहरों के लिए भी सेवाएं शुरू हो जाएं। वहीं दूसरी ओर फरवरी से बंद चल रही स्पाइसजेट की उड़ान जुलाई से दोबारा शुरू होगी और पहले फेज में दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइट उड़ान भरेगी। आंध्र प्रदेश की क्या होगी राजधानी, चंद्रबाबू नायडू ने सीएम बनने से पहले कर दिया बड़ा ऐलान। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की राजधानी को लेकर बड़ी घोषणा की है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। नायडू ने टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना के विधायकों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है। बता दें कि इस मीटिंग में उन्हें सर्वसम्मति से आंध्र प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का नेता चुना गया। नायडू ने कहा कि हमारी सरकार में तीन राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा। हमारी राजधानी अमरावती है, अमरावती हमारी राजधानी है। कर्नाटक के बाद अब कोलकाता में हिजाब पर विवाद। टीचर ने कॉलेज जाना छोड़ा, मामले ने पकड़ा तूल। बता दें कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित कानून की पढ़ाई कराने वाली एक निजी संस्थान की एक शिक्षिका ने वहां के अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर हिजाब पहनने से परहेज करने के कथित अनुरोध के बाद कक्षाओं में जाना बंद कर दिया है और इस्तीफा दे दिया। मामला सामने आने के बाद जब इसका विरोध शुरू हुआ तो संस्थान के अधिकारियों ने दावा किया यह संवादहीनता के कारण हुआ है और वह अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद काम पर लौट जाएंगी। बता दें कि एलजेडी लॉ कॉलेज में पिछले 3 साल से शिक्षण कार्य कर रही संजीदा कादर ने 5 जून को इस्तीफा दे दिया था। उनका आरोप था कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें 31 मई के बाद कार्यस्थल पर हिजाब न पहनने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि कॉलेज के शासी निकाय के आदेश ने मेरे मूल्यों और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शिक्षिका के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सद्दिकुल्लाह चौधरी ने कहा कि कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष को शिक्षिका से माफी मांगनी चाहिए। वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या कॉलेज के अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। योगी कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले, यूपी में नई तबादला नीति को मंजूरी, 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर। लोकसभा चुनाव के चलते लगी हुई आचार संहिता हटने के बाद हुई पहली बैठक में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ताबड़तोड़ फैसले ले रही है और राज्य सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत विभागाध्यक्ष 30 जून तक तबादला कर सकेंगे और इसके बाद तबादला करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला हुआ है। बैठक में नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इसमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। बता दें कि इससे पहले 8 जून को हुई मंत्रियों की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में होने के चलते शामिल नहीं हो पाए थे। वहीं मंगलवार की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बार भी शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि वो अभी भी दिल्ली में हैं। तिब्बत की 30 जगहों के नाम बदलेगा भारत, अरुणाचल वाला बदला लेने को बड़ी तैयारी। बता दें कि भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए सरकार बन चुकी है और इसी बीच खबर है कि सरकार अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों का जवाब उसी की भाषा में देने जा रही है। वहीं भारत ने तिब्बत में कई स्थानों का नाम बदलने का फैसला लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पदभार जैसे ही मंगलवार को संभाला उन्होंने भी चीन के साथ जारी सीमा विवाद को सुलझाने पर ध्यान देने की बात कही। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने तिब्बत में 30 स्थानों के नाम बदलने पर मुहर लगा दी है। ये नाम ऐतिहासिक शोध और तिब्बत क्षेत्र के आधार पर ही रखे जाएंगे और खबर है कि भारतीय सेना इन नामों को जारी करेगी और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के मैप पर इन नामों को अपडेट कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से कदम ऐसे समय में ये उठाया जा रहा है जब चीन ने अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश के 30 नामों को बदल दिया था। इस फैसले पर भारत की तरफ से भी कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था। सेवानिवृत्ति लाभ से नहीं कर सकते हैं इनकार, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हुई हो नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में कहा है कि अगर किसी कर्मचारी ने 30 से 40 साल तक सेवा दे दी हो तो उसे रिटायरमेंट बेनिफिट से वंचित नहीं कर सकते, भले ही उसकी नियुक्ति अल्पकाल के लिए शॉर्ट टर्म के आधार पर हुई हो। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 7 मई के अपने आदेश में कहा है कि 30 से 40 साल तक काम करने के बाद किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित करना गलत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान के साथ लगी सीमा अभेद्य नहीं होने के कारण आतंकवाद अभी तक है बरकरार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भले ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य बेहतर है पर यहाँ पर आतंकवाद अभी भी जीवित है क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीमा अभेद्य नहीं है और इतनी विविधता भरी सीमा को सुरक्षित रखना आसान नहीं होता। रियासी आतंकवादी हमले के बारे में पूछने पर अब्दुल्ला ने बारामूला में पत्रकारों से कहा कि सुरक्षा परिदृश्य अच्छा है, यहाँ आतंकवाद है, हमारी सीमा भेद्य है और हर जगह नियंत्रण नहीं रखा जा सकता।
उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि निर्दोष तीर्थयात्रियों निहत्थे लोगों पर हमला किया गया। हम सभी लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उन लोगों को नरक में भेजे जिन्होंने ऐसा काम किया है। इस महीने के अंत में शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं मोदी। प्रियंका लड़ जाती तो 2-3 लाख वोट से हारते मोदी। बता दें कि यूपी खास करके अमेठी रायबरेली में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताने पहुंचे राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा खुलासा भी कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो आज प्रधानमंत्री मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में तो भाजपा हार गई है, वाराणसी में प्रधानमंत्री जान बचा के निकले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह बात किसी अहंकार में नहीं कह रहा हूं। हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री को मैसेज दिया है कि हम आपकी नफरत के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं। आपकी राजनीति हमें अच्छी नहीं लगती। जनता ने प्रधानमंत्री के बता दिया है कि आपने देश में 10 साल तक हिंसा और नफरत फैलाई है। हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। बद्रीनाथ हाईवे पर फिर बढ़ी टेंशन। जोशीमठ में भूदशाओं के बाद सड़कों पर पड़े गड्ढे। बता दें कि चारधाम यात्रा के पड़ाव पर एक हाईवे पर एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ के रेलवे आरक्षण केंद्र के पास 2 जगहों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। दोनों गड्ढे एक दूसरे से लगभग 30 मीटर की दूरी पर हुए हैं। लगभग 1.5 महीने बाद हाईवे में गड्ढे होने से एक बार फिर से लोगों में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। PRO ने इन गड्ढों को पत्थर और मिट्टी से भर दिया है। वहीं बीते अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में जल संस्थान कार्यालय के ऊपर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में नाली बनाते समय एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया था। इन दिनों बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा चरम पर है और जिस सड़क से ये गड्ढे हुए थे उसी सड़क से होकर प्रतिदिन हजारों की तादाद में यात्रा वाहन जोशीमठ से गुजर रहे हैं और इसी सड़क के ठीक नीचे लगभग 40 से अधिक परिवार निवास करते हैं। दोनों गड्ढे लगभग 4 से 5 फीट चौड़े हैं। आज का सुविचार, पैसा बोलना नहीं जानता लेकिन बिना बोले पैसा बड़ी से बड़ी बात बहुत अच्छे से समझा देता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।